यहाँ के सांसद थे पहले पवन बांसल, उनके साथ आपकी कभी नहीं बनी। क्या रीजन रहा कि जो लोकसभा सीट थी वो कांग्रेस पार्टी को अपने थाली में रखी? पॉलिटिक्स में आके जब अल्टीमेटली जब आप किसी भी चाहे पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, कॉर्पोरेशन हो, तो वहाँ नंबर गेम होती है। उस नंबर में हम कहीं ना कहीं अकेले अकेले अपना उनसे पीछे थे। चौधरी जी के साथ हमने भी काम इकट्ठा करा है, पार्टी भी इकट्ठे रहे हैं, काउंसिल भी रहे हैं, मेरे साथ हम इकट्ठे रहे हैं। पर ये जो कल उन्होंने पार्टी छोड़ी है उससे एक दिन पहले तक उन्होंने तिवारी जी की जो नॉमिनेशन हुआ उसके मैं साथ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। चुनावी चर्चा में चंडीगढ़ लोकसभा जो सीट है इससे जुड़े हुए जितने भी नेता हैं, जितने भी लीडर हैं, वो सब इस चर्चा में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ पूर्व जो काउंसलर हैं चंद्रमुखी जी, इसके अलावा वो चंडीगढ़ कैंपेन कमेटी आम आदमी पार्टी के भी चेयरमैन है, वो आज हमारे दरमियान है, उनसे बात करते हैं। चंद्रमुखी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया कि आपने हमें आज अपने दर्शकों सम्मुख रूबरू होने का मौका दिया। चंद्रमुखी जी, आपने पहले हम पर्सनली आपसे शुरू करते हैं। आपका जो करियर आपने शुरू किया 80 के दशक में आपने शुरू किया NSUI के साथ। चंद्रमुखी जी, सबसे पहले हम आपके पर्सनल जो आपका करियर है उससे शुरू करते हैं। आपने 80 के दशक में NSUI के साथ अपना करियर शुरू किया कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस ने भी जो आपका बनता सम्मान था वो आपको दिया। फिर ऐसा क्या कारण रहा कि 2016 में जो आपके भाई थे सूरजमुखी, उनको आपने निर्दलीय जो काउंसलर का चुनाव था वो लड़वाया? मैंने कॉलेज टाइम पे NSUI ज्वाइन किया था, उस वक्त टेररिज्म का माहौल था, ये बात 80s की है। उस पार्टी के साथ बहुत कम लोग जुड़ते थे, कहीं ना कहीं हम लोग उस साथ जुड़े। कॉलेज में ज्वाइंट सेक्रेटरी के से शुरू किया, पहले CRV बना, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से शुरू करते करते और जितनी भी पोजीशंस थी पार्टी में NSUI में, उस सब उनको उन पर काम करने का मौका मिला और प्रेसिडेंट तक पहुंचा। उसके बाद यूथ काउंसिल भी रहा, चंडीगढ़ यूथ का प्रेसिडेंट रहा, दो बार काउंसलर बनने का मौका भी दिया मिला वार्ड नंबर 1 से, जो कि सबसे इलीट एरिया है इस चंडीगढ़ का। कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ गए थे अपना उस वक्त जो लीडरशिप थी उस कांग्रेस की, उनके साथ ऐसे इशू आए कि मेरे को उस मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरे को फोर्स किया गया था उस वक्त कि मेरा जो मेंबरशिप थी वो निकाली गई, मेरे को बाहर निकाल दिया गया, मेरी मेंबरशिप सेट नहीं हुई। तो उन हालात को देखते हुए मेरे को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। तो उसमें भी जब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा तो सारा स्ट्रक्चर यहाँ के बनाया, सारा तैयार करा, उसमें पुराने कलीग जो भी थे लगता था जो पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, पार्टी के लिए एसेट्स हैं, वो सारे इकट्ठे करा, उनको सबको मिलाया करा। तो कहीं ना कहीं अपना जब आम आदमी पार्टी का पहले था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे यहाँ पे कॉर्पोरेशन, उसके बाद पंजाब के चुनाव थे, तो लीडरशिप से बैठ के बात हुई, कोशिश करी उनको कन्विंस करने की, तो अपन केजरीवाल से बात हुई, मनीष सिसोदिया साहब से बात हुई। तो जब अपनी बात रखी जाके पॉइंट्स रखे तो उनको लगा कि हमने जब लड़ना चाहिए, तो हमने लड़ा। तो उसमें हम सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के हम यहाँ पे अपना इलेक्शन जीत गया। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जो यहाँ के सांसद थे पहले पवन बांसल, उनके साथ आपकी कभी नहीं बनी जो अक्सर देखा गया है, उसके पीछे के रीजन क्या थे? आपको उनकी कार्यशैली, उनके काम करने का तरीका पसंद नहीं था, या क्या अंदर के कारण क्या थे? आज आप दर्शकों को राज खोल ही दीजिए, भी कभी भी नहीं बनी आपकी उनके साथ? नहीं, वो जो जब तक जितना वर्किंग रिलेशन थे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो अपना जब तक कॉर्पोरेशन में कोई इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए बैठ के बात करते थे, एजेंडे बनते थे, अपना जो हम अपना एजेंडे के लिए जो प्रॉपर शहर की भलाई के लिए थे काम करने, उसके सबसे बात होते थे। पर कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हाँ, वो रहा है अपना कि मेरे को मेयर नहीं बनाया गया, तो उसके लिए कुछ इश्यूज ये रहे कि कहीं ना कहीं मैंने शायद किसी की पर्सनल भक्ति नहीं कही इस अपना इस शहर में किसी की, उसका थोड़ा सा मेरे को जो लगता है, जो मुझे लगता है हो सकता है ना भी हो, पर मेरे को ये लगा कि मेरे को सिर्फ इसी वजह साइडलाइन किया जा रहा है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर विशेष आदमी के साथ पार्टी से हटकर नहीं चला, तो उसका मुझे नुकसान हो, वो एक वजह शायद वो भी नहीं है जिस कारण मुझे पार्टी भी छोड़नी पड़ी। एक बड़ा सवाल है कि आम आदमी जो पार्टी है वो आज पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए तो एक अच्छा पोजीशन में है इस समय,
पंजाब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दिल्ली में रिपीट कर चुके हैं, चंडीगढ़ में भी पिछले जो नगर निगम के चुनाव रहे हैं उन्होंने एक तरह से क्लीन स्वीप किया, लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर क्या रीजन रहा कि जो लोकसभा सीट थी वो कांग्रेस पार्टी को आपने थाली में रख के दे दी? क्या आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं था? नहीं, ये इसकी जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन जो मेयर चुनाव आया था उस वक्त रखी गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था तो कांग्रेस और आप मिलकर ही इसको हरा सकते थे। तो जब हमने शायद ये इंडिया अलायंस के लिए सबसे पहली यही रिजल्ट आया था कि हम इकट्ठे होकर चले, क्योंकि पॉलिटिक्स में आके जब अल्टीमेटली जब आप किसी भी चाहे पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, कॉरपोरेशन हो, वहाँ नंबर गेम होती है। उस नंबर में हम कहीं ना कहीं अकेले अकेले अपना उनसे पीछे थे, तो ज्वाइंटली हम उनसे आगे थे। तो ये एक वजह रही है कि हमने जब सोचा कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में शहर में कुछ नहीं किया, नेशनल लेवल के ऊपर भी इनका काफ़ी जो हालात जैसे चल रहे हैं वो इनके अपना लोगों को पिसाने वाला पिसने वाला काम कर रहे हैं, हर वर्ग को इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये फाउंडेशन चंडीगढ़ से हुई है, जो अपना तैयारी हुई है वो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन से पहले हुई थी। तो उस वक्त हुआ था कि जब अलायंस की बात हुई थी तो ये मेयर जो होगा वो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का लड़ेगा, तो उस पार्लियामेंट की जो सीट होगी वो कांग्रेस पार्टी को जाएगी। ऑपोजिशन जो अक्सर मुद्दा उठाता है, अक्सर हर स्टेज से बात करता है कि आम आदमी जो पार्टी है उसका पंजाब में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ विरोध है, ऑपोजिशन में है, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है ऑपोजिटों की, है ना, और चंडीगढ़ में ये अलायंस कर रहे हैं, तो इसके पीछे के रीजन क्या है? नहीं, रीजन नहीं, पंजाब के अंदर जो दूसरी अपना पार्टी है चाहे बीजेपी हो चाहे अकाली, वो बिल्कुल डेसिमिस्टेड हो चुकी है। बीजेपी का उसमें पंजाब में कोई अपना कुछ नहीं है अपना ग्राउंड के ऊपर, जितने भी गए हैं दूसरी पार्टी से गए हैं। और अकाली दल का पिछले असेंबली इलेक्शन में सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा है। तो बेसिक जो मेरे को समझ में आती है लीडरशिप जो दोनों पार्टीज की है वो स्पेस नहीं देना चाहती थी ऑपोजिशन को, क्योंकि अगर वो इकट्ठे होकर लड़ते दूसरी ऑपोजिशन पार्टी को कहने की स्पेस मिलती, तो स्पेस ना देने की वजह से वहां पे अपना इकट्ठे नहीं लड़े। अल्टीमेटली ये सारी जितनी सीटें आएंगी अपना पंजाब से चाहे वो कांग्रेस की हैं या हमारी पार्टी के हैं वो चले जाएंगे अपना इंडिया अलायंस में। इसी तरह टीएमसी में भी हुआ, आज ममता जी की भी अपना स्टेटमेंट आई कि हम अलायंस के साथ रहेंगे उसके बाद। तो एक ये रहा है क्योंकि अगर स्पेस हम देते इनको तो ये अपने स्पेस ऑपोजिशन की चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आप हो दोनों की अपना वोट काटते, और एक यही रीजन है जिसके लिए अपना वहां पे हम अलग अलग लड़ रहे हैं। कल चंडीगढ़ के एक दिग्गज नेता कांग्रेस के सुभाष चावला, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनका कहना था कि मुझे जो सबसे ज्यादा दिक्कत थी जब इन्होंने अलायंस किया आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस का अलायंस हुआ, सिर्फ सबसे बड़ी दिक्कत थी जिस वजह से मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूं। लगभग 45-50 साल वो कांग्रेस में रहे, बड़े अच्छे अहदों पे रहे, प्रधान भी रहे हैं वो, मेयर भी रहे हैं वो। तो उनका एक ही स्टेटमेंट है कि मेरा जो कहना था कि जो अलायंस हो रहा है दोनों पार्टीज का वो मुझे हजम नहीं हुआ, तो मैं इस वजह से पार्टी छोड़ रहा हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये पॉलिटिकल उनकी स्टेटमेंट है। चावला जी के साथ हमने भी काम इकट्ठा करा है, पार्टी में भी इकट्ठे रहे हैं, काउंसिल भी रहे हैं मेरे साथ, हम इकट्ठे रहे हैं। पर ये जो कल उन्होंने पार्टी छोड़ी है उससे एक दिन पहले तक मनीष तिवारी जी की जो नॉमिनेशन हुआ है उसके में साथ गए हैं। अलायंस वाली बात ये कहना कि कुछ बातें मेरे साथ बाद में हुई हैं कि ये 24 घंटे बाद क्या उनका हुआ है, वो उनका वेस्ट इंटरेस्ट होगा या पर्सनल इंटरेस्ट रहा होगा। पर जब ये अलायंस बना था इंडिया अलायंस बना था चंडीगढ़ के लिए आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी, तब तो मैंने एक बार आवाज नहीं उठाई, ना ही कोई बात करी, हर चीज में इन्वॉल्व थे, उनको पता था। उनका कहना था कि मैं दबी आवाज में अक्सर इस चीज का विरोध करता हूं। बताने कहां बोल दो, पार्टी भी विरोध था उस वक्त करते। आज जो हालात बने हैं उसको हालात में कब इन्होंने कहा है? एक बार भी नहीं कहा। दूसरा जो है उनका जो सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि उनका बेटा जो धनार से चुनाव लड़ता था, तो शीला फूल सिंह जो हमारी पुरानी कुलीग रही हैं कौंसिल, जब उनको ज्वाइन करे तो उसके बाद उनको अपना प्रॉब्लम हुआ है। एक ये भी अपना वजह रही है कि जो जिस एरिया से वो इलेक्शन लड़ता उनका बेटा, वो अपने बेटे के अपना कैरियर के चक्कर में गया, उनको अब समझ आ गया कि शायद यहाँ पे उनका जो बेटे का कैरियर है कांग्रेस पार्टी में नहीं। हालांकि मैं उस पर कमेंट करने के लायक नहीं, पर जो मैं पॉलिटिकल सिनेरियो जो शायद से जुड़ा है, क्योंकि मेरा उस पार्टी से अभी तक डायरेक्ट कोई बात नहीं हुआ है, पर जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकली कि उन्होंने उनको ये लगा होगा कि उनके बेटे को आगे आने वाले टाइम में धनास से टिकट नहीं मिलेगी, और शीला फूल सिंह जो कि मजबूत अपना
काउंसिल रही हैं, 3 बार जीती हुई हैं, तो वो उनके आने से वो अनकंफर्टेबल हुए हैं, उसके बाद गए हैं। उससे पहले कभी इन्होंने कहा ही नहीं है अपना अलायंस में, जब मेयर बनाया अपना उस वक्त बताइए कभी इन्होंने कहा भी अपना मैं इसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मनीष तिवारी के साथ आपकी दोस्ती जग जाहिर है, आपकी जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी या राम हनुमान की जोड़ी भी कहा जाता था ना, और आप पिछले 15 साल से वकालत कर रहे थे कि उनको यहां से टिकट मिले, आज उनको टिकट मिली है, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो पवन बंसल ग्रुप है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से इस चीज का विरोध कर रहा है। बहुत सारे लीडर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो आपके साथ पार्टी में रहे हैं, आपके पर्सनल रिलेशन में रहे हैं या आपके साथ प्रोफेशनल रिलेशन में भी है, क्या आपने कभी ये कोशिश की है कि उन लोगों को मना के रोक लिया जाए भी आप पार्टी में से मत जाओ, क्योंकि मनीष तिवारी के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं या हैं आज की डेट में भी, तो आपने कभी पर्सनली ये कोशिश की? नहीं, काफी लोग वापस आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, पवन जी ने भी कोई डायरेक्टली अभी आज तक ऐसा नहीं कहा उन्होंने, बल्कि मनीष जी से बात हुई है, मिले भी हैं, मैं भी मिला उनको, उन्होंने हमेशा मेरी ब्लेसिंग साथ है, कुछ इशू रहे हैं अपना वो उस लेवल के ऊपर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, पर डायरेक्टली पवन बंसल जी ने अभी तक पार्टी के खिलाफ या मनीष तिवारी जी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करी है, और काफी लोग जो नाराज चल रहे थे उनको परसू करा गया, वो वापस ज्वाइन कर गए कैंपेन अपना और पूरा इस वक्त लीड लेके अपने एरिया में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, दो लीडर होते हैं वो अपना जिनको कोई सेल्फ इंटरेस्ट रहा होगा या कोई ना कोई वजह रही वो अपना छोड़ के है, बाकी इस तरह तो बीजेपी से काफी लोग नाराज हो गया हमारे पास आ रहे हैं, ये कहना नहीं है, चुनाव के टाइम पे होता है कोई आता है कोई जाता है ये बात नहीं है, पर उसका चुनाव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, पवन बंसल जी का ऐसा कोई और ना नहीं है अपना कि मैं पार्टी के खिलाफ चल रहा हूं या उनका कोई ऐसा एक्शन जन नजर में आया, अभी तक हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो हुआ दिल्ली में पिछले दिनों, जैसे उनको अरेस्ट कर लिया गया, ईडी ने अरेस्ट किया उनको, उसके बाद अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनको छोड़ दिया गया, तो इस चीज का क्या असर पड़ेगा जो इलेक्शंस हैं उस पर क्या असर रह सकता है, क्या आपको लगता है ये कहीं चीजें फेवर में जाएंगी या ये चीजें कहीं नुकसान दे सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो उनको दोषी कह रही है, दोषी बता रही है, तो आपको क्या लगता है इस चीज का कोई असर पड़ेगा इस पे? केंद्र सरकार बस चले तो हर किसी को दोषी बनाता है जो उनके साथ नहीं चल रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है और उसके नेक्स्ट डे उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो पॉलिटिकल काम में इंटरफेयर कर रहा है। अभी ये तो सोचते हैं जो ये बोल रहे हैं वही अपना हिंदुस्तान है, वही कानून है, वही सब कुछ फायदा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो आके बता रहे हैं बाहर ये तो गलत उनको करा गया अपना अरेस्ट करा गया, क्योंकि जब इतनी देर से वो कह रहे थे कि मुझे रीजन बताओ, उन्होंने लिख के भी दिया किस कैपेसिटी में बुला रहे हो, डायरेक्टली कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो वापस आए हैं, वापस बाहर आए बेल के बाद, वापस आने के बाद जो उन्होंने कहा है जिस तरह की प्रताड़ना दी गई है, चाहे उनकी मेडिसिन का इशू हो, खाने का इशू हो, अपना फैमिली को मिलने का इशू हो, सीएम पंजाब को मिलने का इशू, वो सारे रूल्स को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जितनी प्रताड़ना करनी थी वो करी है, वो आज जब लोगों को खुद बता रहे हैं अपने मुंह से तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हो रहा है, लोग उनकी बात समझ कर अपना बीजेपी के अपना खिलाफ डिसकंटेंट शो कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आपको आने वाले चुनाव में पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी आप कंटेस्ट कर रही है आपको वोटों में इसका तब्दील होता दिखाई देगा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सवाल खैर नेशनल लेवल का है, लोकसभा चुनाव है तो नेशनल लेवल के मुद्दे भी रहते हैं, तो अगर इंडिया अलायंस जो है जिसको हम इंडिया अलायंस कहते हैं जिसमें सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? देखो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बिल्ड बैठकर बात होती है, आज तक जितना भी हुआ ये सवाए कुछ चीजें प्रोजेक्ट हुई होगी, हो सकता है इंटरनल चीजें हैं, कभी ऐसा कुछ ऐसा आज तक नहीं हुआ। आप देखो पिछले अगर अपना बातें करें, जब भी ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी है तो बैठ के फैसले हुए, ऐसा नहीं हुआ भी अपना किसी एक को पहले लेके चले, डिपेंड करता है बहुमत में आती है, पार्टी बहुमत में आती है, जो कौन कॉम्पिटेंट हो बैठ के सब मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है, रिजॉल्व हो जाएंगे। कई जगह कोलिशन गवर्नमेंट अपना बनी भी है, कई बार बनी है, उसमें कभी भी जो प्रधानमंत्री मंत्री का जो कैंडिडेट है वो पहले अनाउंस करा गया, ये तो बीजेपी अब उसको प्रेडिशनल फॉर्म के ऊपर लेके जाने को है तैयार। उससे पहले जब ये बीजेपी लड़ती थी मोदी से पहले, तो कब इन्होंने अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट अपना अनाउंस करा, कब इन्होंने सीएम का कैंडिडेट अनाउंस करा है, अब बताइए हिमाचल में इससे पिछला चुनाव था, धूमल साहब चुनाव हार गए हैं, तो कहां पे इनका था कि किसके नाम पे लड़ रहे हैं, कभी भी लड़ रही है। चंद्रमुखी जी, इलेक्शन से लगभग 6 महीने पहले पूरे देश में कई तरह के प्रकरण हुए, जिसमें हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव जो हुए उसमें जो धांधली हुई, मसीह वाला जो एपिसोड हुआ, तो
इसी तरह से मतलब इसके इसको आप कैसे देखते हैं, इसका क्या असर रहेगा, लोकल जो चंडीगढ़ की जो पब्लिक है वो किस तरह का रिएक्ट करेगी इस पे आने वाले इलेक्शन में? अनिल मसीह तो एक मोहरा है ये भारतीय जनता पार्टी की, जितनी भी बैकडोर पे ऐसे काम करते हैं, किसी ने किसी आगे फ्रंट पे करते हैं, चाहे आप देखो बाकी स्टेटों की सरकार को तोड़ना, इनको तो बाय हुक और बाय क्रुक और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डालकर सिर्फ पावर रिटेन करनी थी। आप देखिए ना जी, अनिल मसीह वो जब बैठ के कर रहा था, कैमरे लगे हुए थे हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद, तो कैमरे में देखकर भी कर रहा था। आप देखिए कितना बड़ा इनका हौसले खुले हुए थे चोरी करने के लिए कि हम करने, वो देख भी रहा है उसको, ये पता रिकॉर्डिंग हो रही है, कोर्ट में जाएगी भी, इनको था कि हमें कुछ कहने कोई कहने वाला है ही नहीं। वो इतना बड़ा प्रकरण जो बना है पूरे चंडीगढ़ जैसे लिटरेट शहर का, पूरे वर्ल्ड में जो बदनामी हुई है, आज हम जिसकी बात करते हैं शहर सिटी ब्यूटीफुल की बात करते हैं, सिटी ब्यूटीफुल तो इन्होंने जो एक्चुअल में वो भी रहने दिया, और इस प्रकरण के बाद तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लिटरेट शहर के अंदर ये काम करेगी, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हैं वो जिम्मेवार हैं। और अनिल मसीह के लिए आज तक ना तो माफी मांगी अनिल मसीह ने, अपना एफिडेविट दो बार चेंज कर लिया, ना बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा आया कि हम इसको निकाल रहे हैं, ना ही उसे नॉमिनेटेड पार्षद से उसका इस्तीफा लिया है, आज वो कंपेन कर रहा है। तो ये सब चीजें शो करती हैं कि कहीं ना कहीं अनिल मसीह जो है वो पार्टी का अपना ब्लेसिंग से काम कर रहा है, और आज आज कहीं ना कहीं पार्टी का हाथ उसके साथ नहीं। आज आज टंडन जी से मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से सवाल करना चाहता हूं, क्या वो उसको आप पार्टी से निकाल रहे हैं या उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं? वो नहीं कर रहे क्योंकि आप वो कंपेन साथ में कर रहा है, साथ में कंपेन कर रहा है, तो मतलब ये है कि टंडन जी का जो चुनाव लड़ने का इरादा था उसमें अनिल मसीह साथ मिला हुआ था, इनको था कि हम अपना मेयर बना लें जो कि हमारे लिए कंपेन में काम करेगा। तो ये कहना कि दर्शाता है कि संजय टंडन जी का ही काम था ये, और अनिल मसीह एलियस संजय टंडन ये एक ही चीज है। किसी भी नेशनल पार्टी के सुप्रीमो को इलेक्शन से दो तीन महीने पहले अरेस्ट कर लेना, चाहे वो ईडी के थ्रू किया, विजिलेंस के थ्रू किया, किसी भी तरह से किया, उसको अरेस्ट कर लेना, अगर मान लो आप लोग वहां सेंटर में बैठे हैं और अपनी जीत को लेके आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, भी आपको आपकी जीत पक्की नजर आती है, तो दो महीने पहले उसको अरेस्ट कर लेना क्या नैतिकता है? अगर आप जीत के प्रति कॉन्फिडेंट है, आप इलेक्शन के बाद भी कर सकते थे या छह महीने पहले भी कर सकते थे, तो क्या ये नैतिकता है? पहली बात। दूसरा, उसका कहीं ना कहीं जैसे मैं पहले भी पूछ चुका हूं, क्या ओवरऑल इंडिया में पूरे भारत में आम आदमी पार्टी को या इंडिया अलायंस को कोई बेनिफिट होगा? आपको लगता है कि बीजेपी और नैतिकता ये इकट्ठे चल सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह इन्होंने सरकार? वो तो अक्सर नैतिकता की बातें करते हैं, वो तो दावे करते हैं नैतिकता की। कहां नैतिकता की बात, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने जिस तरह सरकारें तोड़ी है, पहले खुद प्रधानमंत्री जी शोर करते हैं जी ये करप्ट है करप्ट है, थोड़े दिन जब वो आता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसकी सब फाइलें आपको याद होगा, अजीत पवार जी की उनकी फाइल क्लोज कर दी है, प्रफुल्ल पटेल जी की फाइल क्लोज कर दी है, ये तो एक ऐसा माहौल खड़ा करते हैं क्योंकि इन्होंने जो बना रखा है कि जो या तो आप हमारे साथ आ जाए नहीं तो हम आपको खत्म करेंगे, जब पोलिटिकली खत्म करें, पोलिटिकली बात करो, पोलिटिकली खत्म करेंगे, जो ज्वाइन नहीं करता उसको उठा के जेल में डालते हैं। तो इनका मकसद बिल्कुल यह था कि हम ही हम रहे, दूसरा कोई ना रहे, कहीं ना कहीं इनको ये लगा होगा केजरीवाल जी इस चुनाव के अंदर इनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बनने जा रहे हैं, तो उसी वजह से इन्होंने उसको उठा के उनको अंदर किया है। और जिसकी बात आज भी मैं कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपना इसके ऊपर जब बेल दी है तो इनके नेक्स्ट डे इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पॉलिटिकल काम इंटरफेयर करती है, अब जिनको यही नहीं समझ में आ रही तो किस नैतिकता की आप बात करते हैं? नैतिकता वर्ड तो बीजेपी को मेरे को लगता है अपनी डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। बड़ी स्पष्ट तरीके से और अनस्क्रिप्टेड सवाल जो कि बीजेपी स्क्रिप्टेड जो टीवी चला रहे हैं वो हमें पूछे और उसका हमने भी जवाब बेबाकी से दिया, क्योंकि आज की डेट में जो हम स्वतंत्र मीडिया की बात करते हैं ऑपोजिशन वाले वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा, और इसी वजह से गोदी मीडिया है आज लोगों ने छोटे मीडिया हाउसेज सोशल मीडिया उनको देखना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट जो जितने बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनका लोगों ने बायकॉट करना शुरू किया जस्ट बिकॉज क्योंकि वो 100% स्क्रिप्टेड सवाल पूछते हैं। इस बात के लिए एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाकर मौका दिया बात करने का अपने दर्शकों से। चंद्रमुखी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।